आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स के बारे में जिनको चेंज करके आपको मिल सकती है बहुत ही बढ़िया ऑडियो क्वालिटी अपने आईफोन पे। तो यार क्या हाल है, वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूँ डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहला सेटिंग है म्यूजिक में। अगर आप चाहते हैं कि आपका म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा हो और जोरदार म्यूजिक बजे आपके आईफोन से, तो इस सेटिंग को डेफिनेटली चेंज करना। तो इसके लिए जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है म्यूजिक वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है EQ। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेगा जिसका नाम है लेट नाइट। इस पे आपको क्लिक करना है और अब अगर आप म्यूजिक बजाते हैं तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा नॉर्मल के कंपैरिजन में। अगला सेटिंग भी म्यूजिक में है। इसकी मदद से आप सेट कर सकते हैं एक वॉल्यूम दो अलग अलग गानों में। तो फिर से जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है म्यूजिक वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है साउंड चेक। इसको आपको एनेबल कर देना है। इसकी मदद से दो अलग अलग गानों में जिनमें डिफरेंट वॉल्यूम्स होंगे वो एक तरीके से बजेंगे ताकि आपको ज्यादा डिस्टॉर्शन सुनने को ना मिले। अगले सेटिंग की मदद से आप इंश्योर कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी जब आप स्ट्रीम कर रहे हैं अपने म्यूजिक को अपने आईफोन पे। तो दोबारा जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है म्यूजिक वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है ऑडियो क्वालिटी। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहला जो फीचर है उसको आपको एनेबल कर देना है जो है लॉसलेस ऑडियो का। इसके नीचे आपको और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल डेटा स्ट्रीमिंग, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चूज करना है लॉसलेस अगर आपके पास डेटा भरपूर है अपने आईफोन पे। अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको हाई क्वालिटी पे रख सकते हैं ताकि आपको बढ़िया ऑडियो क्वालिटी मिले अपने मोबाइल डेटा पे। अगर आप वाईफाई पे हैं तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप लॉसलेस चूज करें ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी मिले वाईफाई पे। अगले सेटिंग की मदद से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हियरिंग एक्सपीरियंस को अगर आप यूज कर रहे हैं एयरपॉड्स या एयरपॉड्स प्रो। तो इसके लिए जाना है आईफोन के सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है एक्सेसिबिलिटी में और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रोल करना है और चूज करना है ऑप्शन ऑडियो विजुअल का। यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है हेडफोन अकोमोडेशंस। इस पे आपको क्लिक करना है और उसको एनेबल कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जैसे कि बैलेंस टोन, वोकल रेंज या ब्राइटनेस। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं और नीचे इस स्लाइडर की मदद से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अगले सेटिंग की मदद से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने फोन कॉल की क्वालिटी को जब आपने पहन रखा है एक सिंगल एयरपॉड। तो इसके लिए जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है एयरपॉड्स। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है नॉइस कैंसिलेशन विद वन एयरपॉड। तो इसको आपको एनेबल करना है। इसकी मदद से आप एनेबल कर सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन को फोन कॉल के टाइम पे जब आपने पहन रखा है एक सिंगल एयरपॉड। अगर और ऐसे हिडन ट्रिक्स जानने हैं तो इस वीडियो पे अभी के अभी क्लिक करो, यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।